दोस्तों फाइनली YouTube का शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है YouTube Shorts और ये इंडिया में सबसे पहले लॉन्च हुआ है। और ये कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है डेडिकेटेड कि आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करोगे, ये फीचर आपको YouTube एप्लीकेशन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने YouTube एप्लीकेशन को बिल्कुल अप टू डेट रखना है ताकि आपको शॉर्ट क्रिएट शॉर्ट वीडियोस का ऑप्शन मिल जाए। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। और इसमें आप क्या करना है, आपको 15 टू 60 सेकंड तक की वीडियोस को आप बना सकते हो। बेसिकली आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको 15 सेकंड तक की वीडियोस आपको रिकॉर्ड करने का फीचर मिलता है इस एप्लीकेशन के अंदर। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको शॉर्ट्स वीडियो को शूट करना है, रिकॉर्ड करना है या फिर अपलोड करना है और उसे पब्लिश करना है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है एक फर्स्ट वीडियो पब्लिश करने से पहले, जिसकी वजह से आप अगर उसे ऐड करोगे तो आपके वीडियोस पे व्यूज़ काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोज को बना सकते हो, किस तरीके से आपको वीडियोस को सेटअप करना है, पब्लिश करना है। मैं आपको पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना या फिर एप्पल के ऐप स्टोर में जा सकते हो अगर आप एप्पल यूजर हो तो। वहाँ पे आप अपने यूट्यूब सर्च करो और इस यूट्यूब एप्लीकेशन को अप टू डेट रखना है, मतलब बिल्कुल अपडेट रखना है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा अपडेट है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में आता हूँ यूट्यूब के, और यहाँ पे प्लस का साइन आपको नीचे बॉटम में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टैप करना है, क्रिएट अ शॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि अभी बीटा स्टेज में, तो जस्ट आपको क्या करना है, क्रिएट अ शॉर्ट वीडियोस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में ये आपका रिकॉर्डिंग का फॉर्म खुल जाएगा इसका, और यहाँ पे अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना है। तो आप रेड बटन पे नीचे बॉटम में टैप कर सकते हो, फिर आपकी वीडियोस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली जस्ट मैं आपको शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप ये रिकॉर्ड कर, ये 15 सेकंड तक की लिमिट है इसकी, इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो अपने टाइटल को, और यहाँ पे जस्ट आपको टाइटल जो भी अपने वीडियोस को टाइटल आप लिखते हो आपको उसको लिखना है। और यहाँ पे उसके बाद आपको दो हैशटैग यूज़ करना है, जिसका नाम है फर्स्ट है वो शॉर्ट्स है और सेकंड है वो माय फर्स्ट शॉर्ट्स। तो ये दो हैशटैग डेफिनेटली आपको यूज़ करके रखना है, जिसकी वजह से आपकी वीडियोज़ को जो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको पता चलेगा कि भाई ये वीडियोस फर्स्ट वीडियोस है और व्यूअर्स की वीडियोस है, तो आप इसे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये आपकी वीडियोस को बूस्ट करेगा। तो ये दो जो हैशटैग ये अपने वीडियोस के टाइटल में डेफिनेटली ऐड करके रखना है। और यहाँ पे सेलेक्ट ऑडियंस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, और ये बिल्कुल कोपा पॉलिसीज जो है उसके पे बेस्ड है। तो जस्ट आपको यहाँ पे अगर आप कोई वीडियोस बच्चों से रिलेटेड बना तो जस्ट आपको यस इज मेड फॉर किड्स कर देना है, और या बच्चों से रिलेटेड नहीं बना रहे तो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर देना है। तो ये बिल्कुल जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो बिल्कुल सेम प्रोसेस है ये भी। और यहाँ पे नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियोस टू ओवर 18, तो अगर आप यस कर दोगे तो ये आपकी वीडियोज जो केवल 18 एज से ऊपर के लोगों को ही दिखाई जाएगी, तो आपको वहाँ पर नो कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपके वीडियोस को बना के जस्ट अपलोड बटन पे क्लिक कर देना, तो आपकी जो वीडियोस है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपकी वीडियोस अपलोड हो जाती है और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो अपने वीडियोस की, तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहोगे तो ऐड कर सकते हो। और हालांकि वैसे अगर आप नहीं भी ऐड करोगे जो भी शॉर्ट वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो शो होगा वो कुछ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन में होगा, तो उसमें आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन क्या है, लोगों को वो दिखेगा ही नहीं बेसिकली। तो यहाँ पे टैग वैग भी ऐड कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगी, मतलब आपकी वीडियोज़ को रैंक कराने के लिए आप टैग का यूज़ कर सकते हो। और जो भी लोकेशन वोकेशन है, प्लेलिस्ट लिस्ट जो भी है आप क्रिएट कर सकते हो। और ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको जस्ट सेव बटन में टैप करना है, ताकि जो भी आपने चेंजेस किए वो सारे चेंजेस सेव हो जाए। और वापस अगर आप वीडियो को पब्लिश करना है, थ्री डॉट पे टच करके एडिट जाइए, और उसके बाद आपको प्राइवेट से पब्लिक पे करके आपको सेव कर देना है, ये वीडियो आपकी पब्लिश हो जाएगी बेसिकली। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको वीडियो में म्यूजिक ऐड करना हो, कोई भी बॉलीवुड म्यूजिक, जस्ट आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो जो कैमरा फ्लिप का ऑप्शन है, यहाँ पे फ्रंट कैमरा या फिर आपको रियर कैमरा यूज़ करना, तो आप उसे यहाँ पे टैप करके कर सकते हो, और या फिर ऐड म्यूजिक पे टैप करोगे तो आप यहाँ से आप मनपसंद के जो भी सॉन्ग से आप ऐड करना चाहोगे अपने वीडियोस के लिए, आप जैसे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे और ब्लू एरो पे टैप कर देना है, तो ये जो सॉन्ग है वो आपके वीडियोस में अप्लाई हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, स्लो मोशन या फिर नॉर्मल फास्ट जो भी है। और अगर आपको ऑडियो एडजस्ट करना है, जस्ट आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से ड्रैग करके आप अपने म्यूजिक को सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी म्यूजिक का जो भी सेगमेंट आपको चाहिए, जैसे आपको ऊपर वाले टाइमलाइन पे ड्रैग करना है, मतलब टैप करके ड्रैग करना है,
और वो सेगमेंट सेलेक्ट हो जाएगा 50 सेकेंड तक का, तो वो वही सेगमेंट आपके वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप टाइमर चाहते हो कि कुछ टाइमर के बाद मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, जस्ट आपको टाइमर पे टाइप करना है यहाँ से 3 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक को सेलेक्ट करके, और आपको जस्ट आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, तो जो 3 सेकेंड के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अगर आप इंस्टेंट चाहते हो तो जस्ट आपको डायरेक्टली रेड बटन पर टाइप करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी है, और वीडियो जब जहाँ रिकॉर्ड होगी जस्ट आपको नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करते ये वीडियो आपको ऐड डिटेल का ऑप्शन में आ जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे आपको वीडियो की टाइटल ऐड करनी है, तो ये जो दो टैग है आप इस दो टैग को डेफिनेटली ऐड करना अपने वीडियोस में, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑडियंस में जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो मतलब किसके लिए नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, या फिर एज जो है आपको एज नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई जो व्यूज वीडियोज ओवर 18, तो ये आपको ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली सेलेक्ट करके रखना है। और मैंने इस पे पहले से भी वीडियो बना रखी है इससे रिलेटेड, जो भी ये अभी कोपा पॉलिसी यूट्यूब का आप ऊपर लिंक मिल जाएगा आपको ऊपर कार्ड में, आप वहाँ से जाके वीडियो को डिटेल में देख सकते हो कि आप किस तरीके की वीडियोस बनाते हो, तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैं पूरा डिटेल आपको वहाँ पे बता रखा हूँ। तो बेसिकली अगर आप बच्चों से रिलेटेड बना तो जस्ट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कर देना, और डोंट रेसिस्ट माई वीडियो ओवर 18 पे क्लिक कर देना है, और जस्ट आपको एडिट करना है यहाँ पे। एडिट करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे अगर पब्लिश करना है जस्ट प्राइवेट पे क्लिक करके यहाँ पे पब्लिक कर सकते हो, और ये वीडियो आपकी डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगी, और जो भी डिस्क्रिप्शन ऐड लोकेशन टैग्स जो भी ऐड करना है वो सब आप ऐड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों अपने वीडियोस का बना सकते हो, और अगर जस्ट आप प्ले करोगे कुछ इस तरीके से आपको वीडियोस लोगों को दिखेगी। हालांकि ये जो वीडियोस आपके वो चैनल से आप डायरेक्टली देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये जो वीडियो जो दिखेगी बेसिकली वो आप स्क्रॉल करोगे, और कुछ इस तरीके से आप जब स्क्रॉल करोगे अपने जो भी वीडियोस को देखते हो टिकटॉक के जैसे या फिर इंस्टाग्राम रील के जैसे, कुछ इस तरीके से यूट्यूब के भी शॉर्ट्स में आपको ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप कोई भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हो लाइक कॉमेडी वीडियो हो गया, जो भी मैजिकल वीडियोस हो गया, या फिर कोई कुकिंग से रिलेटेड वीडियो अगर आप बनाते हो, तो आप उसका जो 15 से 60 सेकंड तक की वीडियोस को बना के आप यूट्यूब के शॉर्ट्स पे अपलोड कर सकते हो। बेसिकली आपको उसको अपने चैनल पे ही अपलोड करना है, और उसको अपलोड करने के बाद आप उसे पब्लिश कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि क्या हम अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो पे क्या हम थंबनेल लगा सकते हैं, तो बेसिकली दोस्तों आप जैसे यूट्यूब के चैनल अगर आपका होगा तो आप नॉर्मल वीडियो अपलोड करते हो उस पर आप जैसे थंबनेल लगाते हो, वैसे ही थंबनेल आप यूट्यूब के स्टूडियो में जाके आप लगा सकते हो। लेकिन आप अगर वर्टिकल वीडियो जो भी आपकी होगी यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो अगर आप उस पर थंबनेल लगाओगे तो उस थंबनेल लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो जो थंबनेल होगा वो किसी को दिखेगा नहीं जब भी वो यूट्यूब के शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे शो किया जाएगा। तो बेसिकली आप जैसे इंस्टाग्राम पे जो रील है जैसे स्क्रॉल करते जाते हो और वीडियो पे होते जाते हैं, ठीक वैसे फॉर्मेट आपको यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, जैसे आपको वीडियो को स्क्रॉल करते जाना है और वीडियो को एंजॉय करते जाना है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक डाउट आएगा कि भाई यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है उसमें जो बाय डिफॉल्ट फीचर है उसमें आप 15 सेकंड तक की ज़्यादा की वीडियोस को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको कि 15 टू 16 सेकंड तक की वीडियोस को आप इसमें अपलोड कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या होगा उसके लिए, अगर आप चाहते हो कि 15 सेकंड से ज़्यादा की वीडियोस आप बना के अपलोड कर पाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको अपना कैमरा से जो भी आप वर्टिकली कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद उसको किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके उसको एडिट कर लो, जो भी फिल्टर या फिर कोई भी म्यूजिक जो भी साउंड्स ऐड करना है उसको आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ शॉर्ट पे क्लिक करके, जस्ट आपको साइड में अपलोड का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, आप जस्ट आप यहाँ पे टैप करोगे आप अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हो बेसिकली। तो दोस्तों जितने भी वीडियोज़ होंगे यूट्यूब पे, आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई नया चैनल ओपन कर लेना है, अगर आप करना चाहोगे तो आप नया चैनल ओपन कर सकते हो यूट्यूब का, फिर आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हो केवल शॉर्ट्स के लिए। या फिर अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है तो आप एक नया प्लेलिस्ट बना सकते हो जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई ये मेरा शॉर्ट्स वीडियो है। वो शॉर्ट्स वीडियो तभी कंसिडर होगी जब आपकी वीडियो वर्टिकल हो और वो 15 से 60 सेकंड तक की वीडियो के अंदर हो, तो ही वो वीडियो शॉर्ट वीडियो में कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो वो वीडियो एज अ नॉर्मल वीडियो जैसे आप वीडियो पे अपना अपलोड करते रहते हो वैसे वीडियोज़ को माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें यूट्यूब की शॉर्ट्स की, तो आपको यहाँ पे कोई भी फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, नहीं कोई इफेक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिला अपने आपके वीडियोस के अंदर, बस इसमें आप केवल अपने वीडियो में सॉन्ग ऐड कर सकते हो और स्लो मोशन ऐड कर सकते हो, बस इतना ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। हालांकि अभी बीटा स्टेज में है तो आपको अभी बहुत ही कम फीचर देखने को मिलेंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको यहाँ पे भी बहुत सारे स्टिकर्स के फीचर्स हो गए, या फिर कोई भी इफेक्ट्स हो गया, या कोई फिल्टर हो गया, या कोई ट्रांजिशन हो गया, वो सारे के सारे इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में, अभी फिलहाल यहाँ पे आपको बस ये ऑप्शन बेसिकली मिल रहा है। तो सो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ।